और इवन मस्त रीजन बताऊं कि मैं गाने के बनाता हूं, ताकि मैं कुछ भी बोलूं ना गलत गलत इमो इमो शिट सब लोग सुन लेते हैं। ले ली तूने रिकॉर्डिंग चालू? हाँ बढ़िया। हाय मैं दर्श और क्या मैं गाने बनाता हूँ, फोटोज लेता हूँ दोस्तों की अपने, और क्या क्या करता हूँ मैं जो भी करता हूँ ये सब यूट्यूब चैनल पे होगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे होगा। कोविड इससे मास्क पहनना ज़रूरी है और हम बाहर शूट कर रहे हैं। मेरा भाई ने मेरा कैमरा पकड़ा हुआ है, दिवेश तुझे कुछ दिखाने की शुरू दिखा देना, तो उसे वीडियो यूट्यूब पर जाएगी वीडियो यूट्यूब पर जाएगी। ऑलराइट क्या बस अभी नया गाना आने वाला है मेरा 15th को, उसका नाम है 353, तो वो सुनना। अभी मेरे को लगता नहीं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, आई डोंट नो, लेट्स सी अगर होती है नहीं होती। और या मैं अभी प्रोमो दिखा दूंगा अगर प्रोमो अभी आया। एंड ये है प्रीव्यू। जैसा क्यों महसूस कर रहा हूँ मैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं, जीना नहीं सीखा है मैंने, जो कुछ भी नहीं हो रहा है, दिखता कुछ भी नहीं सीधा, मुझे मरना क्यों सही लगता है। ये गाना आ रहा है 15th को, एंड या आई थिंक इन अ वीक तुम लोग सुन लोगे। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो प्रीसेव लिंक नीचे ही होगी, तो प्रीसेव भी कर लेना Spotify पे। एंड या बैक टू द वीडियो। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, वो है कीबोर्ड रिवील। अगेन आई डोंट थिंक सो कोई इतनी बड़ी बात थी कीबोर्ड रिवील की तुम लोगों ने वो लाइव पे कर दिया था, बट यस ये है मेरा कीबोर्ड। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये क्या है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। बेसिकली मैंने अपने पुराने से कीबोर्ड को है ना एक मेकशिफ्ट मिडी कीबोर्ड बना लिया था, इस पर अपनी पूरी ईपी बनाई है और उससे पहले सारे सॉन्ग्स। काफ़ी अजीब लग रहा होगा कि यार ये सब कैसे हुआ, बट यस हो जाता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड या और क्या क्या बोल रहा था मैं, अगेन मेरा वही पॉइंट फिर मैं रिट्रेट कर देता हूँ कि लाइक ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है कोई अच्छे इक्विपमेंट की अगर कुछ भी कर रहे होते हो एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो। एंड मेरा केस इन पॉइंट है, मैंने पूरी घुमशुदा ईपी इसी बनाई थी, नॉट ओनली दैट मैंने पूरी मिक्स और मास्टर अपने हेडफोन से करी है, आई डोंट हैव एनी लाइक स्टूडियो मॉनिटर्स एंड स्टफ, सो उसके बिना ही करी थी मैंने। एंड यस एक लैपटॉप पे करी थी, आई डोंट हैव एनी प्रोफेशनल इक्विपमेंट, एक कंडेंसर माइक, दैट्स ऑल। एक माइक तो चाहिए था तो माइक लिया, बट दैट इज़ ऑल। आई डोंट थिंक सो मैंने उससे ज़्यादा आज तक करा है कुछ, अभी कोई प्लान भी नहीं है कुछ इतना कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लेने का। अभी गाने मस्त बन रहे हैं, तुम लोगों को पसंद आ रहे हैं ना, दैट्स ऑल इट मैटर्स। ऑलराइट अब आता है फाइनल सेगमेंट कि मेरे क्या प्लान्स हैं 2021 के लिए। एंड मेरा सबसे बड़ा प्लान है 2021 के लिए, दैट इज़ आई वॉन्ट टू रिलीज न्यू म्यूज़िक एवरी मंथ, लाइक ऑलमोस्ट एवरी मंथ नया गाना आना चाहिए। आई होप ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो सकता है, बट आई रियली थिंक कि हो जाएगा अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करूँ और थोड़ा और मेहनत करूँ एंड मेरा वर्क फ्लो और इम्प्रूव करूँ। नॉट ओनली दैट बट मेरे को एल्बम अभी एज ऑफ नाउ एल्बम का कोई सीन नहीं है, आई एम नॉट इन दैट एल्बम हेड स्पेस। एल्बम हेड स्पेस के लिए आपको सबसे पहले तो उस प्रॉपर नो एक जर्नी होनी चाहिए, एंड आई डोंट थिंक दैट जर्नी फॉर मी पर्सनली इज़ कम्प्लीट, सो आई वोंट बी मेकिंग एनी एल्बम्स। बट ईपी ज़रूर आएगी, आई थिंक मैं एक ईपी या दो ईपी तो रिलीज़ कर ही सकता हूँ, बट एज ऑफ नाउ मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं है। बट आई डू वांट टू रिलीज़ न्यू म्यूज़िक लाइक एवरी मंथ, ये प्लान है। नॉट ओनली न्यू म्यूज़िक बट उसके बाद न्यू कॉन्टेंट, अगर न्यू कॉन्टेंट रिलीज़ करूँगा तो नॉट ओनली आई वुड ग्रो एज एन आर्टिस्ट बट ऑल्सो ग्रो एज अ इंडिविजुअल यूट्यूबर। बट मेरे को अगेन मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, पर दैट्स वियर्ड। एनीवे या दोज आर माई प्लान्स, एंड आई होप अगर लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम अलॉन्ग विद मी इन दिस जर्नी। एंड या दैट्स इट, दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू डू इन 2021। एंड कार्ड।
ये देख एरोप्लेन। तो पता है अजीब बात क्या है, मेले ऐसा है कि मैं चाहे कितना ही बड़ा हो जाऊँ, अगर ऊपर से एरोप्लेन जा रहा होगा ना तो मजे आएंगे। हेलीकॉप्टर एरोप्लेन एक बार देखेंगे जरूर।